सरों का। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। प्रयागराज में रक्षाबंधन और भाई दूज की तरह भाइयों की मंगल कामना करने और बला और बाधाएं उतारने के लिए डेंडिया पर्व मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है ये पर्व और क्यों मनाया जाता है। प्रयागराज का डेंडिया पर्व, इस दिन बहने भाइयों की उतारती है बला बाधाएं। डेढ़िया में घी का दीपक जलाकर उतारी जाती है नजर। नजर उतारने के बाद चौराहे पर फोड़ा जाता है डेढ़िया। डेढ़िया के टूटने पर भाइयों की बाधाएं होती हैं दूर। भाई अपनी बहनों को देते हैं उपहार। प्रयागराज में रक्षाबंधन और भाई दूज की तरह भाइयों की मंगल कामना करने और बला और बाधाएं उतारने के लिए डेढ़िया पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के साथ माथे पर टीका लगाकर उन्हें मिठाई खिलाती हैं। फिर मिट्टी की डेढ़िया में घी का दीपक जलाने के बाद लड़कियां भाई और पिता के सिर से डेढ़िया को भाई के माथे से 7 बार छुआते हुए बहनें उनकी नजर उतारती हैं और उनके मंगल की कामना करती हैं। और इसके बाद जलते दिए के साथ ही डेढ़िया को चौराहे पर रख कर मंगल गीत गाते हुए तोड़ दिया जाता है। डेढ़िया के टूटने के साथ साथ भाइयों की बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। तो वहीं डेढ़िया उतारने के बाद भाई अपने बहनों को उपहार भी देते हैं। कई घरों में पिता की भी कामना के लिए डेढ़िया उतारी जाती है। इस अवसर पर घरों में तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं। दरअसल शरद पूर्णिमा के साथ डेढ़िया का पर्व प्रयागराज में दशहरा और दीपावली के बीच में मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौट रहे थे तो सबसे पहले प्रयागराज की पावन धरती पर संगम दर्शन और पूजन के लिए आए थे। उस समय प्रयागराज की स्त्रियों ने प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की आरती उतार कर स्वागत किया। लेकिन कुछ महिलाओं को संदेह हुआ कि कहीं राम माता, सीता और लक्ष्मण के पीछे शनि देव तो नहीं आ गए। इसी वजह से प्रयागराज की स्त्रियों ने मिट्टी की छेद वाली हांडी में दिया रख कर भगवान की नजर उतारी थी और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। और बहनें शितिर द्वार हांडी में दिया रख कर अपने भाइयों की नजर उतारती हैं। तो वहीं आनंद किशोर ने बताया कि डेढ़िया की परंपरा को लोक नृत्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही हमारी युवा पीढ़ी भी अपनी लोक संस्कृति को जान रही है। डेढ़िया पर्व प्रयागराज में बड़े उत्साह से लोग मनाते हैं और लोग अपने परिवार में सबकी बुरी नजर उतारते हैं और बहनें भाई की मंगल कामना करती हैं। डेढ़िया है, इसके लिए एक मान्यता है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौट रहे थे तो सर्वप्रथम प्रयाग की पावन धरती पर संगम दर्शन किया, उनकी पूजन अर्चना किया तो प्रयाग की स्त्रियों ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। वहीं कुछ स्त्रियों को संदेह हुआ कि भगवान के पीछे कहीं शनिदेव ना आ गए हों, तो प्रयाग वासियों को और भगवान श्री राम को शनिदेव के प्रकोप से बचाने के लिए मिट्टी के छिद्रदार हांडी में दिए रख करके उनकी नज़र उतारी थी, आरती उतारी थी। जब मुझे इस डेढ़िया के बारे में पता चला तो मुझे जान के बहुत ये अच्छा लगा कि ऐसी भी कोई लोक कला है जो कि हमारे यहाँ पौराणिक कथा मतलब पौराणिक समय से चलती आ रही है। तो जब मैंने पहली बार किया डेढ़िया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये हम जैसे यूथ की जिम्मेदारी है कि हम अपनी जो अपनी परंपरा है उसको आगे बढ़ाएं, उसमें से एक ये लोक कला भी है। अपनी लोक कला से जुड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कनिष्का जायसवाल। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।